साथियों आदर नमस्कार। आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हमने हमारे बच्चों के एडलाइन टेस्ट को संपन्न कराया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों के प्रश्न पत्रों को और प्रश्न पत्रों के पश्चात मैं आपको बताऊंगा बच्चों का मूल्यांकन जो प्रपत्र किस प्रकार भरना है या किस प्रकार हमने भरा है उसके बारे में बताएंगे और साथ में फिर इन प्रश्न पत्रों को हम इन पोर्टफोलियो में संधारित करेंगे। तो संधारित करते हुए बताएंगे बच्चों की पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे किस तरह की हमारे बच्चों की पोर्टफोलियो है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम बच्चों के प्रश्न पत्रों को देख लेते हैं। जिन क्लास के बच्चों का अभी एडलाइन टेस्ट संपन्न हुआ है उनके प्रश्न पत्र रखे हैं। जैसे आप यहाँ कक्षा चौथी के बच्चों का देख रहे हैं, ये कक्षा चौथी का बालक है शिवम परते, ठीक है, इसके पिता का नाम लिखा है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये हिंदी विषय के लिए टूल देख रहे हैं, यहाँ पर इस टूल की हमने फोटो कॉपी करा ली थी और प्रत्येक बच्चे के लिए हमने एक एक टूल रखा था। और इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था किस तरह से हम प्रत्येक बच्चे को अपने पास में बुला करके एडलाइन टेस्ट हमने बच्चों का लिया था। तो यहाँ पर आप हिंदी का देख रहे हैं और यहाँ बच्चे का नाम हमने लिखवाया जैसा कि जो दिशा निर्देश हमको दिए गए थे उसके आधार पर प्रत्येक टूल में, या हम ये कहें कि जो पेपर है प्रश्न है इस प्रश्न में हम प्रत्येक बच्चे का नाम उसके पिता का नाम और कक्षा को हमने लिखाया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर हमने बच्चे को पढ़वाया वर्ण यानी अक्षर, बच्चे ने यहाँ पढ़ा जिन वर्णों को पढ़ा जिन अक्षरों को पढ़ा उस पर हमने टिक लगाया है। इस प्रकार शब्द पढ़वाया, इसके बाद हमने वाक्य पढ़वाया और इसके बाद में हमने बच्चे से कहानी पढ़वाया और इस बार हमने खुद ने हमने चेक किया तो चेक बाई मी करके हमने यहाँ पर साइन भी कर दिया। और इनकी लिखने की जांच हमने करी, तो लिखने की जांच हमने यहाँ करी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बच्चे ने वर्ण अर्थात अक्षर लिखा है, यहाँ शब्दों को लिखा है, फिर यहाँ हमने गणित के प्रश्नों को हल कराया। ये एक दो प्रश्न जो है वो जोड़ने के, दो प्रश्न घटाने के, दो गुणा के और एक प्रश्न हमने भाग का बच्चे को करवाया और हमने चेक भी किया है। तो जो हिंदी की जांच हमने कर ली थी 6 तारीख को अर्थात 6 जनवरी को और जो गणित की जांच हमने की है वो 7 जनवरी को की है। तो इस तरह आप यहाँ देख रहे हैं ये बच्चों के प्रश्न पत्र हैं और प्रत्येक बच्चे के प्रश्न पत्र भी आपको इसी प्रकार मिलेंगे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये, ठीक है। साथियों इसी तरह से अगर हम आगे देखें, अभी आपने देखा ये हिंदी का टूट है ना, इसी तरह हम अगले पेज पर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे का गणित का टूट, ठीक है, ये गणित से संबंधित टूल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों से हमने अंक के बारे में जानकारी पूछी है और बच्चे ने सही बताया तो सही का टिक लगा दिया है, संख्या के बारे में पूछा है और इन प्रश्नों को हमने बच्चों को जो अलग से हमने पेज दिया था पन्ना दिया था उसमें इसको हल कराया है। अगले टूल पर हम जाएं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर मापन संबंधित टूल है ये, ठीक है, यहाँ बच्चे ने टिक लगाया है, ठीक, आप देख रहे हैं जैसा कि हमको दिशा निर्देश में दिया गया था और जैसा टूल में बताया गया है उसके आधार पर हमने जांच की है, साथ में हमने यहाँ चेक बाई भी करके साइन भी कर दिया है। तो इस तरह साथियों ये जो सारे प्रश्न पत्र हैं इनको हमने चेक किया है और बच्चों की दक्षता का पता लगाया है और इसको ये जो प्रश्न पत्र है बच्चों का यानी जो टूल है इसको हम ये बच्चों की जो पोर्टफोलियो है इस पोर्टफोलियो में संधारित करेंगे। किंतु इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मूल्यांकन प्रपत्र, जैसा कि आप एक कक्षा चौथी का मूल्यांकन प्रपत्र देख रहे हैं, बच्चों का विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 3 से 5 के लिए, यहाँ कक्षा चौथी के लिए हमने लिखा है, ठीक है, एंडलाइन टेस्ट की दिनांक लिख दिया है क्योंकि हमने 6 जनवरी को प्रारंभ किया था इसलिए 6 जनवरी की तारीख यहाँ आएगी और यहाँ पर जिले का नाम, ठीक है, विकासखंड का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, ठीक है, शाला का नाम, डाइस कोड और जांच करने वाले शिक्षक का नाम और यहाँ पर हमने बच्चों के नाम लिख दिया साथियों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी की दक्षताओं के अंतर्गत हिंदी भाग 1 भाग 2 गणित भाग 1 भाग 2, ठीक है, तो हिंदी भाग 1 में जो पढ़ना के अंतर्गत यहाँ आप देख रहे हैं सारे बच्चे हमारी कहानी स्तर पर हैं और उनकी उच्चतम दक्षता कहानी है इसलिए हम केवल कहानी पर ही टिक लगाया है, जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया था कि केवल हमें बच्चे की उच्चतम दक्षता पर ही टिक करना है तो उसी आधार पर हमने बच्चे की उच्चतम दक्षता पर टिक किया है। और इस तरह आप देखेंगे हिंदी में लिखना तो लिखना कि मैं बच्चों की उच्चतम दक्षता शब्द है तो हमने सभी बच्चों का जो टिक है वो केवल शब्द पर लगाया है क्योंकि सभी बच्चे की उच्चतम दक्षता कक्षा चौथी में शब्द ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जैसे एक वाक्य शब्द या अक्षर इस पे कहीं पर टिक नहीं लगाया है,
क्योंकि प्रत्येक बच्चा इनके बारे में जानता है, वाक्य भी जानता है, शब्द भी जानता है, अक्षर भी जानता है और कहानी भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो हम बच्चे को केवल उसके उस शब्द का कहानी मानते हुए कहानी पर लगाएंगे, बाकी पर नहीं लगाएंगे, जैसा कि बताया गया था उसी आधार पर हमने लगाया है। गणित में हम देखें तो गणित में अंक पहचान, संख्या पहचान, ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तो हमारे सारे बच्चों की अंतिम दक्षता या उच्चतम दक्षता हम कहें तो वो है भाग करना। तो सारे बच्चों को हम भाग पर टिक किया है, इधर कहीं पर भी टिक नहीं किया है। हमारे बच्चे गुणा भी कर सकते हैं, घटाना भी, जोड़ भी कर सकते हैं, परंतु इनमें हमने टिक नहीं लगाया है, क्योंकि बच्चे ये तो करते करते हैं परंतु वे भाग भी कर सकते हैं, इसलिए उनकी उच्चतम दक्षता भाग होगी, इसलिए हमने भाग पर टिक लगा दिया है। गणित भागों में हम देखेंगे तो यहाँ पर मापन और ज्यामितीय आकृतियां, तो बच्चों को मापन से संबंधित ज्ञान भी है, इसलिए इस पे सब पे टिक लगा हुआ है। और ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बच्चे जानते हैं, कुछ एक बच्चे तीन आकृति जानते हैं, तीन से ज्यादा आकृति जानते हैं, कुछ बच्चे पूरी पूरी आकृतियों के बारे में जानते हैं, तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है। तो साथियों इस तरह से हमने ये बच्चों का जो मूल्यांकन प्रपत्र है उसको भरकर कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमारी कक्षा तीसरी का मूल्यांकन चल रहा है, पांचवी का मूल्यांकन चल रहा है, और जैसे ये पूर्ण होता है इसके पश्चात हम क्या करेंगे, संतुलन प्रपत्र भरेंगे। तो साथियों अब मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टफोलियो। तो देखिए जैसे शिवम ज्ञान सिंह पत्ते का यह प्रश्न पत्र है टूल सहित, इसको हमने पंच किया सीधे सीधे ये, और जैसा कि आप यहाँ पर शिवम पत्ते की पोर्टफोलियो देख रहे हैं, ये बालक की, इससे पुराने जो प्रश्न पत्र है, इससे संबंधित प्रमाण पत्र है, कुछ आप देख रहे हैं कि ड्राइंग वगैरह बच्चों चित्रकला प्रतियोगिता संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रारंभ से बच्चे ये जो भी उपलब्धि प्राप्त की है उससे संबंधित सारे रिकॉर्ड को हमने यहाँ पर रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसको जो प्रश्न पत्र है बच्चे को, इसको हम यहाँ पर संधारित कर देते हैं, और जब कोई अधिकारी आएगा देखने के लिए तो हम उन्हें पोर्टफोलियो दिखा देंगे और ये प्रश्न पत्र भी पता देंगे, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पर संधारित कर दिया, और फिर आगे हम बात करें तो अगले बच्चे की, तो ये अगले बच्चे का आदित्य, तो ये आदित्य का प्रश्न पत्र ये है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया, ये पंच किया, और आदित्य की पोर्टफोलियो में हमने इसको संधारित कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये साथियों इसी तरह से हम प्रत्येक बच्चे के प्रश्न पत्र को टूल सहित उनकी पोर्टफोलियो में हम संधारित कर देंगे जी। तो साथियों इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अन्य बच्चों की पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में इन प्रश्न पत्रों को हम संधारित कर देंगे। साथियों देखा आप लोगों ने कि हमने किस तरह से हमारे बच्चों का एंडलाइन टेस्ट संपन्न कराया है, साथ में मूल्यांकन प्रपत्र भरा, और मूल्यांकन प्रपत्र भरने के पश्चात हम इन प्रश्न पत्रों को टूल सहित जिन पोर्टफोलियो में रखने जा रहे हैं। साथियों आज के कालखंड में आपने जो भी जानकारी देखी, आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी, और इसका उपयोग आप अपने बच्चों के एनलाइन टेस्ट को संपन्न कराने में कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास का आज के इस कालखंड से मैं विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में किसी नई जानकारी, नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।